मकाल ग्रुप हमारा एक दुकानदार में एक सेक्शन ऐसा है जो बिलो पॉवर्टी जिसको कहेंगे, 10-15 हज़ार 20 हज़ार का दुकान में माल रखते हैं तो सुबह से बैठ के शाम को खाते हैं, दूसरे दिन उसी पे गुजारा करते हैं, निकलते हैं फिर दुकानदारी करने की। मैं बड़ा फील किया उसको दिल से कि हमें इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम फाइनेंशियली इनको सपोर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको बहुत ज़रूरी है कि उनके घर में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं खाने पीने की, उसको 10-15 दिन के लिए हम मैसर रखें उनके लिए। तो ये ड्राइव उसी का एक हिस्सा है जो हम करने जा रहे हैं। हमारा जो है 2019 अगस्त 2019 से लेके आज तक हमारा जो बिज़नेस सेक्टर यहाँ पे पूरी तरह से मुतासिर हुआ है, तो बैंक से हमें कोई राहत नहीं मिल रही है। तो जितना भी हमें उनका टैक्स होता है वो हमें भरना पड़ता है। बदकिस्मती ये है कि हमारे जो गारंटर्स होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जैसे ही महीने को फर्स्ट को उनकी सैलरी आती है तो बैंक अपना किस्त उनसे ले लेता है, फिर वो अपने इस दोस्त से तकाजा करते हैं कि मेरी किस्त यहाँ से निकाली गई मुझे ये दे दीजिए, और वो कहाँ से लाएगा जब दुकानदार पिछले 3 साल से सफ़र कर रहा है, वो किस्त कहाँ से लाएगा, और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जहाँ तक इवन कि हमारे नॉलेज में ये भी आया था कि कुछ दुकानदार ऐसे भी परेशान थे कि जो सुसाइड करने के लिए भी तैयार हुए थे, तो मगर उसमें हमारे बैनर ने इनिशिएटिव लिया, बहुत से मैनेजरों के साथ फिर हमने बात की, उनको समझाया कि आप इनको ऐसे हरास मत कीजिए कि वरना ये सुसाइड पर जाएंगे। ये खाली ट्रेडरों के साथ नहीं है, यहाँ का जो हमारा ट्रांसपोर्टर सेक्टर है उनका भी फाइनेंस होता है, उनकी गाड़ियाँ भी बैठी है, चाहे ऑटो वाला रहे, चाहे मिनी बस वाला रहे, चाहे सोमो वाला रहे, तो उनको भी ये बहुत परेशानी वो भी इसका फेस कर रहे हैं।